A Mumbai youth named Nehal Ahmed Ansari went missing in Pakistan while searching for a tribal girl. Mother of the missing said that he went to Pakistan for a job. During his stay, he made Facebook friends in Pakistan and hence became friends with this unidentified girl. According to the Facebook messages, the girl was in trouble and Nehal wanted to rescue and help her. While helping this girl, Nehal went missing. क्योंकि वो आईटी इंजीनियर और एमबीए थे और एक बहुत ही होनहार थे और अपने पढ़ाई के मुताबिक उनको एविएशन में ही इंटरेस्ट था। उन्होंने ये इंटरनेट पे देखा कि काबुल एयरपोर्ट पे एविएशन सेक्टर में काफ़ी जगह है काबुल एयरपोर्ट पे मैनेजर के एयरपोर्ट मैनेजर के जॉब जिसमें लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन का काम उनको ज़्यादा पसंद था वही था। तो और जैसा वो यहाँ एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी में और बहुत सारे एयरलाइंस में दिए थे लेकिन सक्सेसफुली नहीं हो पाते थे, तो वहाँ उनको ऐसा लगा कि बहुत सारी वैकेंसीज है और कैंडिडेट्स भी वहाँ नहीं जाते हैं, तो क्यों ना जा करके वहाँ से एक्सपीरियंस ले लें 4-6 महीने का और फिर उसके बाद उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपनी मनचाही जॉब मिल जाएगी। लेकिन ये आइडिया हमें सूट नहीं किया और हमने उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें कन्विंस कर लिया कि थोड़े समय की बात रहेगी। हमें फिर ईमेल और फेसबुक पे थोड़ी जानकारी मिली, तो फेसबुक में देखने से ये पता चला कि कुछ पाकिस्तान के जो हैं उन लोगों के साथ बातचीत हुई है, उसमें से 4-5 जो हैं उनके साथ काफ़ी लंबी चैट थी और वो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं। उसमें से एक जो है वो मीडिया से रिलेटेड है, दूसरे जो है वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाजिया खान नाम है उनका, और एमबीए के 2 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। जब हमने उनकी चैट पढ़ी तो चैट का विषय जो मुख्य केंद्र था वो केंद्र बिंदु ये था कि वहाँ उस एरिया की उस जो नॉर्थ नॉर्दर्न रीजन माना जाता है ट्राइबल एरिया, तो वहाँ की कोई लड़की थी जो वहाँ के बुरी प्रथा का शिकार थी, जो पारिवारिक संघर्ष में जो जिरगा या कबायली लीडर का जो फैसला होता है उस फैसले के मुताबिक उस लड़की के साथ बुरा बर्ताव हो रहा था और वो उससे उस संघर्ष से परेशान थी, उससे बचना चाहती थी, और उसने भी वो भी चैट फ्रेंड थी, उसने अपनी स्टोरी हामिद से शेयर की थी। और हामिद एक उसको अच्छे क्लोज फ्रेंड होने के नाते और इंसानियत के नाते, मानवता के नाते उसकी हर तरह से सहायता करना चाहता था। एक लंबे संघर्ष के बाद जब कम से कम मंजिल की निश्चितता पता चलती है तो संतोष होता है, क्योंकि अब तक हम अनिश्चितता में जी रहे थे कि वो जीवित है या नहीं है, तो बहुत तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। लेकिन अब जब कल कोर्ट में ये बात साबित हो गई कि वो वहाँ के गवर्नमेंट के पास हैं, सुरक्षित हैं, तो ये एक संतोषजनक मतलब समाचार मिला। The Pakistan government has assured Nehal's parents of his safety. They also stated that the Indian government is also actively involved in the case. Correspondent Ranjit from